ये बताइए कि अभी इसका अर्निंग जो है ये बकरियां से कितना अर्निंग हो जाता है मंथली का आपका? लगभग 50-60 हज़ार। 50 से 60 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं। ये बताइए कि आपको, आप पढ़ाई लिखाई किए हैं? किए तो। कहाँ तक पढ़ाई की? पार्ट वन तक। और हमारे पास साथ एक युवा है जो कि अपना रोजगार खुद कर रहे हैं और इन्होंने लगभग 50 बकरियां पाल रखा हुआ है। तो बहुत सारे युवाओं को ये प्रेरणा के स्रोत भी है, क्योंकि कोई काम जो है छोटा और बड़ा नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूँ गौतम कुमार और आप देख रहे हैं जीके हम सफर। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे साथ एक युवा है, और युवा ही नहीं साथ में ये बेरोजगार भी है। क्या जी, सही बोल रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि ये अपने परिवार का या फिर अपना बोझ किसी पर बने हुए हैं, ये अपना रोजगार खुद ढूंढ निकाले हैं और कर भी रहे हैं। क्योंकि समाज में आजकल सबसे बड़ी जो बीमारी है, बीमारी से समझ लीजिए, जो कि है बेरोजगारी। और उसे इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी किया है, लेकिन फिर भी इनको कोई रोजगार नहीं मिला। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार के लोग जो हैं बेरोजगारी के कारण हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट जो है रोजगार की तलाश में जाते हैं, और वो जो इनको अधिकार मिलना चाहिए यहाँ के युवाओं को नहीं मिलता है। अलग अलग जगहों पर जो हमारे बिहार के युवा जो हैं किसी ना किसी रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं। और हमारे पास साथ एक युवा है जो कि अपना रोजगार खुद कर रहे हैं और इन्होंने लगभग 50 बकरियां पाल रखा हुआ है। तो बहुत सारे युवाओं को ये प्रेरणा के स्रोत भी है, क्योंकि कोई काम जो है छोटा और बड़ा नहीं होता है। इनके साथ जो 50 बकरियां हैं और ये कैसे इस काम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन सब हम बातों पर विस्तार से बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? पवन कुमार। अच्छा पवन जी, कष्ट बोलिएगा। पवन जी, ये बताइए कि आपको, आप पढ़ाई लिखाई किए हैं? किए तो। कहाँ तक पढ़ाई की? पार्ट वन तक। पार्ट वन तक जी। मतलब कितने दिन से आप रोजगार के भी तलाश कर रहे होंगे? कर रहे हैं। अच्छा, फॉर्म वॉर्म भी फिलअप किया होगा? अभी नहीं किया। क्या लग रहा है कि ये सरकार कुछ कर पाएगी युवाओं के लिए? नहीं तो। कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपने जो बकरी पालन का, हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे जगहों पर गए हैं जो कि बकरी पालन का जो रोजगार कर रहे हैं, आप कब से शुरू किए हैं ये सब? लगभग 4 साल से। 4 साल से। कितने बकरियां आपके पास थी और अभी कितना हो गया? जैसे लगभग 10 वो था, उसके बियाते हुए आते 50 वो लगभग हो गया, सब मिला के रखे हैं 50 वो। अभी यहाँ बच्चा है घर में। अच्छा अच्छा, ये बताइए अगर जो कोई बकरी पालन करना चाहता है तो क्या क्या प्रॉब्लम इसमें फेस करना पड़ता है? जैसे कि हम देखें कि इनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है वगैरह वगैरह, ये सब भी आपको करना पड़ता है? करना तो पड़ता है। जैसे कि उसका तबीयत खराब होता है तो उसका तो दवा देना होता है ना। जैसे कि पैसा नहीं रहता है तो कर्जा भी लेके देना पड़ता है पैसा, तो उसके बाद दवाई इसको करवाते हैं, उसके बाद फिर चराते हैं। इसे न चरवाई मिलेगा तो उसको कैसे कुछ तो भूखा नहीं मिटाएगा। अच्छा जब, मतलब आप जो है सड़क पर इसको चराते हैं, मतलब एक जगह स्टोर करके नहीं रखते? नहीं। अच्छा ये बताइए कि अभी इसका अर्निंग जो है ये बकरियां से कितना अर्निंग हो जाता है मंथली का आपका? लगभग 50-60 हज़ार। 50 से 60 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं। देखिए एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि 50 से 60 हज़ार रुपया ये बकरी का जो है बिजनेस करके ये कमा रहे हैं, और जो पीछे देख रहे हैं ये सभी इन्हीं का बकरियां, लगभग 50 बकरियां और 50 से 60 हज़ार रुपया अर्निंग कर रहे हैं। तो युवाओं को जो है ये प्रेरणा के स्रोत है, और इनसे भी सीखा जा सकता है कि जो है रोजगार तो हर जगह, बस आप उसे यूज करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आपको चाहिए। क्या कहेंगे, ये सरकार जो है क्या युवाओं को रोजगार दे पाएगी? नहीं लगता है कि नहीं देगा। अब तो एक को वैकेंसी भी नहीं निकाल रहा है ना, वैकेंसी निकालता तो भरते भी है, उसके बाद भी हम करते भी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा तो ये बताइए कि ये जो बकरियां आप पाल रहे हैं, शुरुआत आप कितने बकरियां से किए थे? बोले 10 गो। 10 गो। अच्छा कौन सा नस्ल का है ये देसी बकरियां या फिर अलग कोई नस्ल? देसी बकरियां है। अच्छा कुछ लोन उनके लिए थे? लोन नहीं लिए थे। अच्छा खुद से किए हैं? जी। जैसे पापा भी भेड़ चराता है ना, पापा भी भेड़ चराता है, पापा भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसलिए पापा भेड़ चराते हुए बाल बच्चा को पढ़ाया, तो उसके बाद फिर बोले कि घर में बैठा हुआ काम नहीं चलेगा, बकरी पालते हैं उससे खर्चा चलता है घर का। अच्छा कई लोग सोचते हैं कि हम बकरी चराएंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छा काम नहीं होता है बकरी चराना, जैसे कि नौकरी लग जाता है तो अपना नौकरी पर ड्यूटी करता है ना, बकरी चराना अच्छा काम नहीं होता है। तो आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं तो, रौदा में रहेंगे का है, जब नौकरी लग जाएगा तो रौदा में रह सकते हैं, रौदा में नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको रोजगार मिलना चाहिए। जी पवन कुमार। तो ये हमारे साथ थे पवन कुमार जो कि बकरी का बिजनेस कर रहे हैं। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर जो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।